अस्सलामुअलैकुम। आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, या बोन से रिलेटेड किसी भी फील्ड से आपका ताल्लुक है? आप रोटेशंस पर जाते हैं या क्लिनिक कर रहे हैं या क्लिनिक करेंगे या रोटेशंस मिलेंगे आपको? तो बोन्स की कुछ सर्टेन ऐसी डिजीज़ हैं जिनके बारे में आपको बेसिक पता होनी ज़रूरी है। जब आप क्लिनिकल्स का वाइवोस भी देने जाते हैं या जब आप रोटेशंस के लिए खुद जा रहे होते हैं, तो उनको आपसे उम्मीद होती है कि आपको ये कुछ डिजीज़ हैं जो हम अभी पढ़ेंगे, मस्कुलोस्केलेटल, उनके बारे में पता होगा, कॉजेस पता होंगे और ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है और डिजीज़ का ऑनसेट कब होता है, ये सब पता होगा। अगर नहीं पता तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन हम क्योंकि जब 6th सेमेस्टर में आ जाते हैं, 3rd ईयर में आ जाते हैं और 4th में दाखिल होने वाले होते हैं, तो इन डिजीज़ को हमें फिंगर टिप्स पर हमें याद होनी चाहिए। तो अगर आपका वाइवोस्पी है क्लिनिकल्स का 6th सेमेस्टर का, या आप खुद रोटेशंस पर जा रहे हैं, या आप मेडिकल के किसी भी फील्ड से हैं, स्पेशली ऑर्थोपेडिक या फिजियोथेरेपी, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसको ज़रा ध्यान से देखें। इसमें आपके पास जितनी भी डिजीज़ हैं रिलेटेड टू बोन्स और जिनको हम डील कर रहे होते हैं, मतलब फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपिस्ट और ऑर्थोपेडिक सर्जन, आपका जिनका रोज़ का पाला पड़ता है जिनसे, तो उनकी डिटेल्स, रेंज ऑफ मोशन, डिसऑर्डर्स, सब आपके फिंगर्स टिप्स पर होने चाहिए। तो आज हम उनको डिस्कस कर रहे हैं, सो दैट जब मैं आगे आपको कोई वीडियो, कोई लेक्चर पढ़ाऊँगी, तो आपको अंदाज़ा होगा या पता होगा थोड़ा सा बैकग्राउंड कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। अभी ये पे कुछ ओवरव्यू लिखा हुआ है कि हम क्या चीज़ें जो है वो आगे पढ़ने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। मायोफेशियल पेन ट्रिगर पॉइंट्स, मायोफेशियल पेन सिंड्रोम को MPS कहते हैं। वो कभी भी आपके सामने मायोफेशियल पेन सिंड्रोम कहेंगे ही नहीं, वो MPS बोलेंगे और उनको उम्मीद होगी कि आपको पता होगा कि ये क्या है। तो पता होना भी चाहिए आपको, क्योंकि वो हम जिस तरह आपने देखा होगा कि जो दूसरे प्रोफेशनल्स होते हैं वो आम लोगों के सामने अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बात नहीं करते, वो कोड्स रखते हैं। सेम हमारे लैंग्वेज, हमारे पास भी यही होता है कि हम भी दूसरे लोगों के सामने, पेशेंट्स के सामने अपना एक कॉर्नर ऐसा रखते हैं, कोड्स ऐसे रखते हैं जिसमें सिर्फ दो प्रोफेशनल्स को ये जो है बात समझ में आ रही होती है। तो इस लिहाज से आपको ये जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं ये याद रखनी है। MPS इज़ मायोफेशियल पेन सिंड्रोम। ये आपके बॉडी में कुछ सेंसिटिव स्पॉट्स होते हैं जिनको हम ट्रिगर पॉइंट्स कहते हैं। तो जो आपके रोपी बैंड्स होते हैं ना, जैसे फेशियल मसल्स होते हैं, फेशिया होता है जिन मसल्स में, उनके अंदर जो है भी ट्रिगर पॉइंट्स जो है डेवलप हुए हुए होते हैं। जब भी प्रेशर अप्लाई होता है इन ट्रिगर पॉइंट्स पर, तो आपकी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में पेन होना शुरू हो जाता है। उसको हम कहते हैं कि भाई ये रेफर्ड पेन है, कि भाई एक ट्रिगर पॉइंट पर जो है वो प्रेशर पड़ा और बाकी सब जगह जितनी भी ट्रिगर पॉइंट्स हैं उन सब पर जो है वो पेन होना शुरू हो गया। अब ये इसका चार्ट है, इसको गौर से देख लें किन किन एरियाज़ में होते हैं, लाजमी पूछा जाता है और उम्मीद होती है कि आपको पता होगा। तो देर आर 10 प्लेसेस, 10 जो है वो ऐसी लोकेशन हैं जहाँ पर ये होता है। ऑक्सीपिटल रिज में होगा, लेवेटरस के बिलाय में होगा, रोटेटर कफ में होगा, इलियक क्रेस्ट में होगा, ग्लूटियस मैक्सिमस में होगा, अपर ट्रेपेजियस रोम्बॉइड और लोअर ट्रेपेजियस क्वाड्रम क्वाड्रेटस लंबोरम और प्रीफॉर्मिस पे जो है ये होता है। तो वो पूछेंगे कि व्हाट इज MPS, इतना सवाल करेंगे और वो उम्मीद करेंगे कि आप ये सारा बताएंगे। तो MPS क्या होता है? इट्स अ मायोफेशियल पेन सिंड्रोम, सेंसिटिव स्पॉट्स आर नोन एज ट्रिगर पॉइंट्स एंड दैट्स इट। अगर वो नाम पूछें तो 2 से 3 के आपने नाम बता देने हैं जो आपको याद हो। अब ये कुछ है, रेंज ऑफ मोशन एंड स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग टू डिसऑर्डर डिजीज, मैनुअल मसल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ग्रेडिंग चार्ट। तो जब मैंने आपको काइनेजियोलॉजी के लेक्चर्स अपलोड किए थे जब मैंने, तब आपको ये चार्ट्स मैं आई थिंक अपने लेक्चर्स में 10 से 12 दफ़ा पढ़ा चुकी हूँ, बट स्टिल क्योंकि हमारा फील्ड ही ऐसी है और बार बार ये चीज़ें रिपीट होंगी, तो दे विल डेफिनेटली आस्क कि ग्रेड 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है। ग्रेड 0 से स्टार्ट करते हैं कि जब मसल कॉन्ट्रैक्टिलिटी का कोई भी एविडेंस ना हो, मसल कॉन्ट्रैक्ट ना करे, दैट इज़ ग्रेड 0। जब स्लाइटली मसल कॉन्ट्रेक्शन हो, लाइक आपको लगे कि पेशेंट कोशिश कर रहा है मसल मूव करने की और हल्का सा आपको मूवमेंट नज़र आए स्लाइट सी, ठीक है, ये एविडेंस ऑफ स्लाइट कॉन्ट्रैक्टिलिटी विद नो एविडेंस ऑफ जॉइंट मोशन, जॉइंट मूव नहीं कर रहा लेकिन मसल हल्का सा मूव कर गया, तो इसको हम कहते हैं ट्रेस 1, यानी 10% मूवमेंट हुई है, तो ये आपका ग्रेड 1 है। कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन विद ग्रेविटी एलिमिनेटेड, यानी ग्रेविटी एलिमिनेटेड, जब आप पैरेलल कोई भी मूवमेंट करते हैं तो वो ग्रेविटी एलिमिनेटेड मूवमेंट होती है, तो मूवमेंट हो रही है लेकिन एंटी ग्रेविटी मूवमेंट नहीं है वो, तो इट इज़ ओके। 25% पुअर, फेयर नहीं है, पुअर है, बट मूवमेंट है, डेड नहीं है मसल्स। दूसरी चीज़, डेड से मुराद मेरे ये है कि पैरालिसिस वगैरह जैसा सीन नहीं है। कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी विद नो रेजिस्टेंस, कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन है, यानी मैंने हाथ कहा फ्लेक्स कर लें अपना और फिर मैंने कहा कि एक्सटेंड कर लें अपना आर्म, या अबडक्ट कर लें या अडक्ट कर लें या जैसे तो उसने वो मूवमेंट कर ली, लेकिन जब मैं रेजिस्टेंस दे रही हूँ तो उनसे मूवमेंट नहीं की जा रही, तो विदाउट रेजिस्टेंस बाकी सारे मूवमेंट्स कर पा रहे हैं, तो इट्स
ग्रेड 3 फेयर एंड 50% जो है वो आपकी मसल स्ट्रेंथ है। उसके बाद जब आता है तो हम थोड़ी सी रेजिस्टेंस और फुल मतलब रेंज फ्लेक्सर एक्सटेंशन अबडक्शन अडक्शन सब हो रही है, हल्की सी रेजिस्टेंस के साथ हो रही है तो हम कहते हैं गुड। मतलब पेशेंट जो है वो बंदे को देख के प्रेशर लगा रहे थे पेशेंट, मुझे पता है मेरे सामने बच्चा है या 16-17 साल की कोई बच्ची है या कोई बड़ा आदमी है 24-25 साल का या ठीक है, इस तरीके से हमने अंदाज़ लगाना होता है कि हमने किस पर कितना फोर्स डालना है और वो हमारी कितनी रेजिस्टेंस बर्दाश्त कर पा रहे हैं। माइनर सी रेजिस्टेंस, थोड़ी सी रेजिस्टेंस बर्दाश्त हो रही है और रेंज भी पूरी हो रही है, दैट इज़ 75% एंड द ग्रेड इज़ गुड। अगर आप फुल रेजिस्टेंस लगा रहे हैं अपनी और वो रेंज फिर भी पूरी कर रहे हैं और एंटी ग्रेविटी मूवमेंट्स भी हो रही हैं तो दैट इज़ नॉर्मल एंड दैट इज़ ग्रेड 5, मतलब 100% जो है वो काम हो रहा है। ये आपके अपर क्वार्टर स्क्रीन का जो है वो शोल्डर रेंज ऑफ मोशन है, आप उसको याद कर लें। फ्लेक्शन जो है वो लेफ्ट 170 डिग्री पे होती है, राइट 175 डिग्री पर होती है। अबडक्शन जो है वो लेफ्ट 170 पे और वो अडक्शन अबडक्शन 75 पर, लेफ्ट राइट का डिफरेंस है, लेफ्ट से राइट का डिफरेंस सिर्फ 5% का है, यानी जहाँ पर आपका 170 है वहाँ से 175 हो रहा है, जहाँ 55 है वहाँ से 60 हो रहा है, ठीक है ओके। अब पढ़ते हैं जनरल साइंस सिम्टम्स ऑफ MSK डिजीज़ यानी मस्कुलोस्केलेटल डिजीज़। क्या होता है ना कि वाइवोस्पी में इस तरीके से पिक्चर बनी हुई आती है और फिर आपको बताना होता है कि भाई ये क्या है। तो आपके सामने ये बोन्स दिख रहे हैं, बोन्स पर लिखा हुआ है, तो बोन जो है वो डिफॉर्मेट हो गया, डिफॉर्म हो गया, उसकी शेप ख़राब हो गई। आपके सामने देखें ये आपस में टूट के धंस रहे हैं, ठीक है। दूसरा ये कि ये जो डिस्क है बीच में ये पिचक गई है और बहुत छोटी सी हो गई है। अब ऐसा बोन जो नॉर्मल नहीं है वो आप क्या समझते हैं, क्या फर्क फंक्शन नॉर्मली करेगा, हर किस नहीं करेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, इनको हम कहते हैं सर्वाइकल एल नंबर स्पॉन्डलाइटिस, ठीक है। अब ये डिजीज़ हैं इनमें हमारे इस तरीके से हो जाती है स्पाइन, अब टेंडनाइटिस भी होता है, मस्कुलर स्केलेटल डिजीज़ के नाम है टेंडनाइटिस, बर्साइटिस, सर्वाइकल एल नंबर स्पॉन्डलाइटिस, ठीक है। जनरल डिजीज़ में ऑस्टियोथराइटिस और एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस, अभी क्या होती है एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस, उसमें तो हमने पढ़ा कि जो डिजीज़ हैं इनमें क्या होता है टेंडनाइटिस, बर्साइटिस और सर्वाइकल लंबर स्पॉन्डिलाइटिस में, कि आपके पास जो सर्वाइकल बोन है वो डैमेज हो जाती है, डैमेज या डिफॉर्म हो जाती है और जो डिस्क होती है वो डैमेज हो जाती है। तो जो वहाँ पर नर्व है जाहिर सी बात है बोन गया अपने साथ, डिस्क को भी डैमेज कर दिया उसने और वहाँ से जो नर्व निकल रही है वो भी डैमेज, तो पेन और डिफॉर्मिटी होना इन द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी ये तो फिर लाजम है, हो जाएगा ओके। अगली चीज़ें ऑस्टियोथराइटिस एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस, ये क्या होता है एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस में क्या होता है कि एक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है, इसमें मतलब टाइम के साथ ये क्या करती है कि बोन और स्पाइन को आपस में फ्यूज़ कर देती है। मतलब कैसे करती है फ्यूज़, देखें आपस में ये फ्यूज़ हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे बिल्कुल, तो इनमें मूवमेंट होना मुश्किल हो जाएगी, ये हिल नहीं पाएंगे ज़रा सा भी, ठीक है सुन में आ रहा है। आपस में दो जॉइंट्स फ्यूज़ हो गए तो उनकी जो मूवमेंट है वो मुश्किल होगी और उस एरिया में जितने भी मसल्स हैं फिर वो भी स्टिफ हो जाएंगे और वहाँ पर भी पेन होगा जब भी आप थोड़ी सी भी मूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस इज़ एन इन्फ्लामेटरी डिजीज़ दैट ओवर टाइम कैन कॉज सम ऑफ द बोन्स इन द स्पाइन और वर्टिब्री टू फ्यूज़, बस इनका ये काम है। अब ये इंक्रीज़ कैसे होते हैं, आपके पास होता है अब ब्लड टेस्ट करवाते हैं ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन प्रोटीन का, उसमें जब आप ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन प्रोटीन का जब टेस्ट कराते हैं तो जब आप बस वो इंक्रीज़ हुआ हुआ आता है ब्लड टेस्ट में तब आपको पता चल जाता है कि भाई ये डिजीज़ आपको हो रही है, क्योंकि बॉडी हर एक रिएक्शन के बॉडी में जब कोई रिएक्शन होता है तो उसके रिजल्ट में कुछ एक्शन ज़रूर करती है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए और वो एक्शंस आपके ब्लड में रिफ्लेक्ट होते हैं, जिसको हम ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स करवा कर और अंदाज़ा कर लेते हैं कि अगर बॉडी ने ये चीज़ प्रोड्यूस की है तो मतलब बॉडी में ये डिजीज़ हुई होगी ओके। HLA-B27 इज़ वॉट ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन और B27 प्रोटीन ओके। What is bone TB? Bone tuberculosis tuberculosis is an extremely infectious disease called by the bacterium. Myobacterium tuberculosis, it is one of the top 10 cause of death worldwide. दुनिया में 10 जो सबसे बड़ी diseases हैं जिनसे इंसान मर जाता है उनमें आपके पास bone tuberculosis जो है वो tuberculosis जो है वो उनमें से एक है। तो अब इसमें क्या होता है कि आपका जो bone है उसमें deformity हो जाती है जब bone tuberculosis होता है, bone में deformity हो जाती है और bone में
बोन में इस तरीके के बहुत सारे पोर्स बन जाते हैं, तो बोन एक्टिविटी करने से भी कासिर होता है, पेन भी रहती है, प्लस उनके जो फॉर्म है वो भी बिल्कुल चेंज हो जाती है, ठीक है। तो बोन ट्यूबरकुलोसिस भी होता है, दैट्स बोन टीबी, और उसमें बोन जो है वो इस तरीके का हो जाता है। ओके, व्हाट इज़ मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफीज़, डकेन एंड बेकर। ओके, डकेन एंड बेकर मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफीज हैव सिमिलर साइन एंड सिम्टम्स एंड आर कॉज बाय म्यूटेशन द सेम जीन। एक ही जीन के अंदर दो डिफरेंट टाइप की अगर म्यूटेशन हो जाएँ तो एक से हमें डकेन जो है वो डिजीज़ हो जाती है और एक से होती है बेकर। अच्छा, कहीं पर इसको ड्यूचेन पढ़ते हैं, कहीं पर डकेन पढ़ते हैं, हमारे यहाँ इसको डकेन पढ़ते हैं, जहाँ ड्यूचेन पढ़ते हों काइंडली आप इसको ड्यूचेन ही समझें। ओके, अब दोनों डिजीज़ एक ही सेम जीन के अंदर डिफरेंट म्यूटेशन होने की वजह से होती हैं, यानी एक म्यूटेशन ऐसी होती है जिससे ड्यूकेन डिजीज़ हो जाती है, एक ऐसी होती है जिससे बेकर डिजीज़ हो जाती है। तो दोनों डिजीज़ में डिफरेंस क्या है कि देखें, एक तो जो ड्यूकेन डिजीज़ है इसमें ही होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में, कि जिसको ये डिज़ीज़ होती है उसको बचपन में ही होना शुरू हो जाती है, बचपन से ही आपको पता चल जाता है कि भाई बच्चे को ये प्रॉब्लम है। और दूसरा ये कि ये बहुत जल्दी जल्दी से इसके जो इफेक्ट्स आ रहे होते हैं, मतलब बहुत जल्दी से इसके जो सिम्टम्स हैं वो वर्स हो जाते हैं। बच्चा बड़े होते होते उसके जो मोटर स्किल्स हैं, चीज़ों को देखना, समझना, चलना फिरना, वो सब उनसे वो रह जाता है, चलने फिरने की प्रॉब्लम होती है, और फाइनली वो व्हील चेयर डिपेंडेंट हो जाता है जब तक वो बड़ा होता है। यानी अब बच्चा 18-19 साल का होगा तो बचपन से, मतलब 18-19 साल तक पहुंचने में ही वो व्हीलचेयर पर आ जाएगा, और ये उम्र के साथ साथ और वर्स इसके सिम्टम होते जाते हैं। बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में ये होता है कि जो सिम्टम्स है थोड़े से माइल्ड होते हैं और चेंज होते रहते हैं, इन मतलब डिफरेंट केसेस में डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं और वेरी करते रहते हैं उम्र के साथ साथ। और जैसे बच्चा बड़ा होता रहता है सिम्टम्स बुरे तो होते हैं, वर्स तो होते हैं, लेकिन बहुत स्लोअर रेट पर, मतलब इतना जल्दी नहीं है कि वो जैसे एडोलेसेंस पे पहुंचा व्हीलचेयर पे पहुंच गया। डिफॉर्मिटीज़ आती हैं लेकिन बहुत स्लोअर रेट पर आती हैं और सिम्टम थोड़े से माइल्ड होते हैं। ओके, आगे है आपके पास बोन कंजेंडल डिफॉर्मिटीज़, विटामिन डिफिशियंसीज। जब कंजेंडल आएगा तो ये है कि जो डिजीज़ जो है वो पैदाइशी हैं। अब जो DDH है वो DDH ही लिखेंगे, वो खुद समझेंगे कि आपको पता है सारा कुछ। डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ द हिप, इसमें क्या होता है कि आपका जो बच्चे का, ये देखें, जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है ना, ये सही तरीके से बन नहीं पाता, बनेगा नहीं तो बॉल एंड सॉकेट आपस में फिट नहीं होगा, फिट नहीं होगा तो बच्चा ना चल सकेगा, ना बैठ सकेगा, ना वो सही तरीके से मूव कर सकेगा। इसको हम कहते हैं DDH, डेवलपमेंट डिस्प्लेसिया ऑफ द हिप। और ये इसकी पिक्चर है, और ये पिक्चर ही आती है वाइवोस्पी में। नाम वाम कुछ नहीं लिखे होते, आपने लिखना होता है कि ये कौन सी डिजीज़ है। अब ये कुछ सर्टेन वाइटामिन डिफिशेंसीज की वजह से भी हो जाती हैं, इनको हम आगे पढ़ते हैं। डेवलपमेंट डिस्प्लेसिया ऑफ द हिप इज़ अ कंडीशन वेयर द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ऑफ द हिप डज नॉट प्रॉपरली फॉर्म इन बेबीज एंड यंग चिल्ड्रंस। कि भाई बॉल एंड सॉकेट जॉइंट सही तरीके से बनता नहीं है। वट इज स्कोलियोसिस? स्कोलियोसिस इज अ साइडवे कर्वेचर ऑफ द स्पाइन। ये देखें, इसको ये नॉर्मल स्पाइन है और यहाँ पर जो है वो किसी भी डायरेक्शन में, लेफ्ट या राइट, आपकी जो क्या कहते हैं स्पाइन है वो कर्व हो जाती है इस तरीके से, और आपकी बॉडी डिफॉर्म हो जाती है। ओके, स्कोलियोसिस इज द साइडवे कर्वेचर ऑफ द स्पाइन दैट मोस्ट ऑफन इज डायग्नोज इन एडोलेसेंट्स। ज़्यादातर बड़े लोगों में होती है लेकिन बच्चों में भी देखी जा रही है। वाइल स्कोलियोसिस कैन अकर इन पीपल विद कंडीशन सच एज सेरेब्रल पेल्सी एंड मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी, द कॉज ऑफ मोस्ट चाइल्डहुड स्कोलियोसिस इज अननोन। चाइल्डहुड स्कोलियोसिस के जो कॉजेज हैं वो अननोन है। सेरेब्रल पेल्सी और मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी वाले पेशेंट्स में जो है वो कंडीशन ज़्यादा जल्दी हो जाती है। ओके, आपके जो मसल्स हैं आपकी बॉडी में, जॉइंट्स पे, हर जगह पर जो लगे हुए हैं, वो क्या करते हैं, रस्सी का काम करते हैं कि जितना ढांचा बना हुआ है हमारा ये अपनी पोजीशन पर फिक्स रहे, और जब हम मूव करें तो ये स्ट्रेच हो, और जब हम मूव ना करें तो ये अपनी पोजीशन पर आ जाएं और अपनी बोन को जो है वो सपोर्ट करें। जब भी ऐसा होता है कि पेल्सी होती है या फिर आपकी क्या कहना चाहिए, एक और चीज़ यहाँ पर लिखी थी, पेल्सी और मसल डिस्ट्रॉफी होती है, मतलब साइज़ में रिडक्शन हो गई, मसल डिक्रीज़ हो गए, और अगर मसल काम ही नहीं कर रहे, तो ये जो सपोर्ट सिस्टम है ना बोन्स का, ये डैमेज हो जाता है। फिर बोन्स को सपोर्ट की कोई चीज़ नहीं मिलती, और जिस तरफ ज़्यादा प्रेशर आता है आपकी बोन्स उस तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, और फाइनली कुछ अरसे में हमें एक अच्छे तरीके, क्या कहना चाहिए कि एक प्रॉपर ज़ाहिर होने वाली डिस्ट्रॉफी या डिफॉर्मिटी नज़र आने लग जाती है। एक बहुत ज़्यादा आई एम जस्ट मिसिंग दैट वर्ड, वो एक वर्ड नहीं आ रहा बाकी। ओके, बहुत नुमाया, ओके, बहुत नुमाया डिस्ट्रॉफी जो है ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है। तो सेरेब्रल पेल्सी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लोगों में भी ये चीज़ हो जाती है। ओके, काइफोसिस। काइफोसिस इज अ स्पाइनल डिसऑर्डर इन विच एक्सेसिव कर्व द स्पाइन रिजल्ट इन एब्डोमिनल राउंडिंग ऑफ द अपर बैक।
इस तरीके से जो है वो, जिसको हम कहते हैं ना कुब निकल जाता है, इस तरीके से स्पाइनल डिसऑर्डर है जिसमें आपके जो स्पाइनल कर्व है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है और आपके जो बैक के मसल्स हैं उनमें पेन, नेक में पेन और मूवमेंट में डिफ़िकल्टीज होना शुरू हो जाती हैं। और देखें, जब इस तरीके से आपका स्पाइन आगे इतना मुड़ जाएगा तो जो आपकी बॉडी का इंटीरियर पार्ट है, आगे वाला जो हिस्सा है, वो उधर जितने भी ऑर्गन्स हैं उन पर भी प्रेशर आएगा, रिब्स पर भी प्रेशर आएगा, और ऑब्वियसली यहाँ के ऑर्गन्स में भी जो फंक्शन होता है उसमें भी प्रॉब्लम होगी। अब आ गया रिकेट्स एंड स्कर्वी। रिकेट्स क्या होते हैं, ये रही पिक्चर्स रिकेट्स की। रिकेट्स में क्या होता है कि बोन्स इतने ज़्यादा वीक हो जाते हैं कि वो बहुत इजीली फ्रैक्चर हो जाता है उनमें, बहुत सॉफ्ट, बहुत वीक, कि हल्की सी कोई चोट लगेगी ना तो बोन टूट जाएगा। अब ये किस वजह से होते हैं, विटामिन डी की कमी की वजह से होते हैं, बट पीपल कैन ऑल्सो इनहेरेंट सर्टन टाइप ऑफ रिकेट्स, और कुछ इनहेरिटेंस में भी हो जाता है। रिकेट्स इज अ चाइल्डहुड बोन कंडीशन वेयर इन द बोन्स और सॉफ्ट एंड बिकम्स प्रोन टू फ्रैक्चर्स एंड इररेगुलरिटीज। द मेन कॉज ऑफ रिकेट इज द लैक ऑफ वाइटामिन डी। वट इज़ द स्कर्वी? स्कर्वी तो हम बस फोर्थ सेमेस्टर के वायवास्पी में आ गया है और हमने इसके क्वेश्चन भी बहुत है किए हैं। स्कर्वी क्या होती है? वाइटामिन सी की वजह से, स्कॉर्बिक एसिड या वाइटामिन सी की कमी की वजह से हो जाता है। इसको हम कहते हैं हाइपो विटामिनोसिस सी। एंड इज कैरेक्टराइज बाय एन इंक्रीज ब्लीडिंग टेंडेंसी एंड इम्पेयर्ड कोलेजन सिंथेसिस रिजल्टिंग इन ऑस्टियोपोरोसिस एंड इम्पेयर्ड बोन हीलिंग। देखा होगा कुछ लोगों को, आपने हल्का सा कुछ खाया, दांत में बोटी फंस गई, बोटी निकाली है सिर्फ दांत में से और ब्लीडिंग शुरू हो गई, या बात करते करते दांतों से ब्लड आना शुरू हो गया, या स्किन के ऊपर कुछ खा लिया था, गोश्त वगैरह, हल्की सी इचिंग हुई और फिर हल्का सा कुछ आया और ब्लीडिंग शुरू हो गई और स्पॉट स्पॉट से बन गए, या दांत बहुत जल्दी किरते हैं, टूटते नहीं हैं, किरते हैं टुकड़े टुकड़े में, तो उनको हम कहते हैं कि भाई ये आपको स्कर्वी है और विटामिन सी की डिफिशेंसी की वजह से होती है। स्कर्वी बोलना होता है इतना बड़ा, हाइपो विटामिन सी ऑसिस कुछ भी नहीं बोलना होता, सिर्फ स्कर्वी बोल देंगे, बस समझ जाएंगे कि बच्चे को कुछ तो पता है। ये बहुत कॉमन डिजीज है इसलिए हम जो है इनको पढ़ रहे हैं। अब आती है हमारी सबसे लाडली डिजीजेज ऑस्टियोपोरोसिस, जिसका टीवी से लेकर और मोबाइल और हर जगह जो है एडवर्टाइजमेंट देख चुके हैं, पर होता क्या है ये देखते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, जहाँ पर पोर्स बना हुआ है ना, ऑस्टियो बोन, पोरोसिस पोर्स यानी सुराख, जब हड्डियों में पोर्स जो हैं वो नॉर्मल साइज से ज़्यादा गहरे हो जाएं तो बोन वीक हो जाता है, ठीक है, उनकी मजबूती में कमी आ जाती है। तो इससे क्या होता है कि बोन के स्ट्रक्चर क्वालिटी में चेंजेस होते हैं। दूसरा ये कि दर्द बहुत जल्दी हो जाता है, बोन की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, आप थोड़ा थोड़ा सा काम करके थक जाते हैं और बोन्स बहुत जल्दी टूट जाते हैं, ठीक है। तो ये किस वजह से होता है? विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। पेन और टाइप्स उसकी, ठीक है, नोसेसेप्टिव पेन, न्यूरोपैथिक पेन, अदर पेन। अच्छा, पेन अराइजिंग फ्रॉम टिश्यू डैमेज को हम कहते हैं नोसेसेप्टिव पेन। न्यूरोपैथिक पेन वो होता है पेन अराइजिंग फ्रॉम डैमेज रिपोर्टिंग सिस्टम सेल्फ द नर्वस सिस्टम। न्यूरोपैथिक पेन यानी जहाँ चोट लगी है उस चोट पर जो दर्द होता है उसको हम कहते हैं न्यूरोपैथिक पेन। अदर पेन या पेन अराइजिंग फ्रॉम द न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन नॉट डैमेज लाइक फिब्रोमाइलिया, एल्गोपैथिक एंड नोसीपैथिक। अदर पेन यानी वो पेन जो न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन की वजह से होते हैं, डैमेज की वजह से नहीं होते। न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन मतलब कि एक हार्मोन था वो बनना था वो नहीं बना, अब उस हार्मोन की होगी डिफिशेंसी तो जिसकी वजह से पेन हो रहा है तो उसको हम कहेंगे कि भी अदर पेन में। पेन की टाइप्स एक्यूट, क्रॉनिक, न्यूरोपैथिक, न्यूसेप्टिव और रेडिकुलर पेन। पेन में हम एक्यूट पेन मीन्स पेन इन शॉर्टर ड्यूरेशन लास्टिंग फ्रॉम मिनट्स टू 3 मंथ्स। क्रॉनिक पेन जो लॉन्गर ड्यूरेशन तक रहता है और जो कब तक रहता है, जो मैनी मंथ और ईयर्स तक भी रह सकता है। और विजुअल एनालॉग स्केल जो हम अपनी पिछले 6 महीने पहले वाली वीडियोज में पढ़ चुके हैं, इसमें क्या होता है कि हम देख के अंदाज़ लगाते हैं कि पेशेंट को कितना पेन है। तो नो पेन और माइल्ड पेन 1 to 3, फ्रॉम 1 to 3 इज़ माइल्ड पेन एंड फ्रॉम 4 to 6 इज़ मॉडरेट पेन एंड फ्रॉम 6 to 7 इज सिवियर पेन एंड फ्रॉम 7 to 9 इट्स वेरी सिवियर। एंड फ्रॉम 9 to 10 इट्स वर्स एन पेन, ठीक है, जितना हो सकता है उतना ज़्यादा। तो ये थे कुछ सर्टन डिजीजेज जिनके बारे में पता होना चाहिए बींग फिजियोथेरेपिस्ट से, बींग क्या कहना चाहिए कि बोन स्पेशलिस्ट या जो भी आप कह लें, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है वो ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आप फिजियोथेरेपी किसी भी फील्ड से हैं, आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, इन डिजीज़ के बारे में पता होना चाहिए। आपके वायवास्पी हों या आपकी स्लाइड्स हों या मस्कुलोस्केलेटल जितनी भी डिजीज हों जिनके बारे में आप रोटेशन के लिए जा रहे हैं, अगर आपको ये सब पता नहीं होगा तो वहाँ पर आपको किसी की भी चीज़ के काबिल जो है वो नहीं समझा जाएगा।
और फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ें समझ में आई होंगी, नेक्स्ट वन में आई हो या स्लाइड्स आई हो तो मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं इंस्टा पर, FB पर, और आप दुनिया में कहीं से भी हैं आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, क्योंकि आपका और हमारा कोर्स इंटरनेशनली सेम ही है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।